हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जो अभी हाल ही में एलआईसी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है, एलआईसी धन रेखा, जिसका टेबल नंबर 863। उस प्लान के अंडरराइटिंग रूल्स के बारे में बात करेंगे। अंडरराइटिंग रूल्स क्या होते हैं, कि ये प्लान कौन खरीद सकता है, कौन इस प्लान के लिए एप्लीकेबल है, क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल पर कंटेंट देखिए, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल एलआईसी से रिलेटेड हर एक चीज के ऊपर वीडियो बनाता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक एलआईसी के नए प्लान के बारे में जानकारी हासिल नहीं करी है, उनको नहीं पता इस प्लान में क्या डिटेल्स हैं, क्या मैच्योरिटी बेनिफिट है, क्या डेथ बेनिफिट है, तो हम उनको बता देते हैं। इस प्लान की एक डिटेल वीडियो हमने चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड कर दी है, जिसमें किस तरीके की प्रेजेंटेशन का हमने यूज किया और बड़े बारीकी से इस प्लान को समझाया है। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको स्क्रीन पे एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, उस पहले इस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। देखिए इस प्लान में लाइफ एलिजिबल क्या क्या है। देखिए दिस प्लान इज अलाउड टू माइनर लाइफ, मेजर स्टूडेंट्स, मेजर मेल एंड फीमेल लाइफ। ये क्या होते हैं, माइनर लाइफ होते हैं जो 18 साल से कम होते हैं, मेजर स्टूडेंट जो 18 साल से बड़े स्टूडेंट है, और मेजर लाइफ एंड मेजर फीमेल लाइफ 18 साल से बड़े, ये लोग इस प्लान को खरीद सकते हैं। अलाउड टू एनआरआईज एंड एफएनआईज आल्सो। एनआरआईज और एफएनआईज क्या होते हैं, वैसे वो लोग जो इंडिया के लोग हैं लेकिन रहते बाहर हैं, उन लोगों को भी आप ये प्लान दे सकते हो। अलाउड टू मेजर पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिस प्लान इज ऑल्सो अलाउड टू मेजर पर्सन 18 साल से बड़ा विद डिसेबिलिटी, जो कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, बट प्रोवाइडेड दे आर गेनफुल एम्प्लॉयड, उनको कुछ ना कुछ गेनफुल एम्प्लॉयड होना पड़ेगा, उनकी कुछ सेल्फ इनकम होनी पड़ेगी, तभी आप उन लोगों को ये प्लान दे सकते हो। दिस प्लान इज ऑल्सो अलाउड टू हाउस वाइफ एंड प्रेगनेंट फीमेल लाइफ बट विद ओन इनकम। प्रेग्नेंट फीमेल लाइफ का ये प्लान दे सकते हो, बट उनकी कुछ ना कुछ खुद की इनकम होनी चाहिए। दिस प्लान इज ऑल्सो अलाउड टू थर्ड जेंडर अंडर सिंगल प्रीमियम मोड। ये प्लान जो है थर्ड जेंडर भी ले सकते हैं, बट सिंगल प्रीमियम मोड ले सकते हैं रेगुलर प्रीमियम में। एक्चुअल सम एश्योर्ड, इस प्लान में क्या होता है, एक्चुअल सम एश्योर्ड जो होगा वो 125% होगा। मान के चलिए आपने 10 लाख रुपए बीमा लिया इस प्लान में, तो आपका जो एक्चुअल सम एश्योर्ड होगा वो आपका 125% होगा, मतलब 12.5 लाख रुपए होगा। आपको 2.5 लाख रुपए का बीमा जो है एलआईसी की तरफ से एक्स्ट्रा मिलेगा। सम अंडर कंसिडरेशन क्या होता है, कि जब आपकी टोटल लिमिट चेक की जाएगी कि आप इस प्लान के अंदर कितना टोटल बीमा खरीद सकते हैं, तो सम अंडर कंसिडरेशन चेक होता है और फिर वो टोटल जुड़ता है, कि चेक होता है कि आपकी टोटल लिमिट से वो पार तो नहीं जा रहा, मेडिकल और नॉन मेडिकल रूल्स के लिए जरूरी होता है। तो आपका जो सम अंडर कंसिडरेशन होगा वो एज पर एसपीएसए ही चलेगा, और आपका एसयूसी जो होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा राइडर्स के अकॉर्डिंग। मान के चलिए आपने 10 लाख रुपए बीमा खरीदा, 10 लाख रुपए आपने टर्म राइडर खरीद लिया, तो टर्म राइडर भी आपका 10 लाख रुपए का एसयूसी में जुड़ेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, देखिए दिस प्लान इज अलाउड अंडर एनी ऑफ द एलआईसी नॉन मेडिकल स्कीम सब्जेक्ट टू द यूजुअल नॉन मेडिकल लिमिट एंड रूल्स। देखिए एलआईसी ने जितने भी प्लान लॉन्च किए हैं उनके कुछ नॉन मेडिकल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो फिक्स होते हैं कि इस एज से इस एज तक इंसान 10 लाख रुपए बीमा खरीद सकता है, इस एज से इस एज तक इंसान 15 लाख रुपए बीमा खरीद सकता है अंडर नॉन मेडिकल कंडीशन। तो वही सब रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इस प्लान पे भी एप्लीकेबल होंगे, सिंगल प्रीमियम के भी सेम रहेंगे, कोई अलग से कुछ इसमें एलआईसी ने लॉन्च नहीं किया। इफ नॉन मेडिकल स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल, मेडिकल एग्जामिनेशन हैज टू बी कैरिड आउट एंड एमईआर एंड स्पेशल रिपोर्ट मस्ट बी कॉल्ड। देखिए सबको पता है अगर नॉन मेडिकल रूल्स के अंदर आपका जो लाइफ आपकी नहीं आती है, तो नॉन मेडिकल की बजाय आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जाना पड़ता है, और उसमें जो आपकी स्पेशल रिपोर्ट जो भी आपके एफएमआर वगैरह लगते हैं वो आपके सारे इस प्लान में भी एप्लीकेबल रहेंगे। थिंग्स टू नोट, देखिए दिस प्लान इज अलाउड टू स्टैंडर्ड एंड सब स्टैंडर्ड मेजर लाइफ अट्रैक्टिंग एक्स्ट्रा मोर्टिलिटी रेट रेटिंग अप टू क्लास्ट। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक्स्ट्रा मोर्टिलिटी रेट लगता है, फॉर एग्जाम्पल कोई हैवी व्हीकल का ड्राइवर है तो उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जो है मोर्टिलिटी रेट्स लगेंगे, उनका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा आएगा। तो इस तरीके के लोगों को दे सकते हो, बशर्ते उनको वो सारे प्रूफ जमा करवाने पड़ेंगे। दिस प्लान इज नॉट अलाउड अंडर कीमैन एंड पार्टनरशिप इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस और पार्टनरशिप इंश्योरेंस उनके अंडर ये प्लान अलाउड नहीं है, ठीक है। ऑल्सो दिस प्लान इज अलाउड अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम होता है जिसमें एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को बीमा खरीदता है और वो पे करता है उनका प्रीमियम, उसके अंडर भी प्लान अलाउड है, ठीक है। लास्ट में इस प्लान के बारे में बात करेंगे, कंक्लूजन क्या है, बाय और नॉट, कि आपको प्लान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए ये प्लान आपको खरीदना या नहीं खरीदना है इसका डिसीजन आप कर सकते हो, बट उसको डिसीजन को बनाने में हम थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने वीडियो अपलोड करी है, इस वीडियो में अगर आप जाओगे तो डिटेल में हमने इस प्लान को समझाया, और आई होप इस प्लान को समझने के बाद आप ये डिसीजन बना पाओगे कि मुझे ये प्लान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। लास्ट में ये बोलूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, या फिर आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकता है
कर सकते हैं थ्रू बिलो सोर्सेज, टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ट्विटर पे कर सकते हो, ईमेल आईडी पे कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।